होती है। तो चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा एक तकनीकी फीचर, और वो है इस इंजन का फोर वॉल सिस्टम। फोर वॉल जी बिल्कुल। देखिए आमतौर पर ट्रैक्टर इंडस्ट्री में ट्रैक्टर के जो इंजन होते हैं वो दो वॉल होते हैं, मतलब एक इनलेट होता है एक एग्जॉस्ट होता है, जबकि कुबोटा के MU55 के इंजन में हमने हर एक सिलेंडर पे चार वॉल्व दिए हैं। इसके कारण ये देखिए यहाँ दो इनलेट है और दो एग्जॉस्ट, ऐसे चार वॉल्व हर सिलेंडर पे हमने दिया है। तो ये चार वॉल्व देने के बाद किसान भाइयों को इससे क्या लाभ मिलेगा? जी देखिए फायदे की बात अगर हम करें तो जहाँ पर एक ही इनलेट वॉल्व से जितनी मात्रा में हवा आती थी, दो वॉल्व लगाने के कारण अब वो हवा की मात्रा दुगनी हो गई। जहाँ पर सिलेंडर में पहले जितना हवा आता था उससे अब दुगना हवा अंदर आने लगा है। इसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। जैसे ही ये एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो उतने ही डीजल में इंजन जो है अधिक ताकत बना लेता है, मतलब इसकी कम डीजल में ज्यादा हॉर्स पावर मिल जाता है। जी बिल्कुल। अब रही सवाल दो एग्जॉस्ट वाल्व की, जब दो एग्जॉस्ट वाल्व लगाते हैं तो बर्न्ट गैस या जला हुआ गैस जितनी मात्रा में निकलती थी, अब दो वाल्व के कारण पूरी मात्रा में जो निकल जाती है, इससे कार्बन की डिपोजिशन सिलेंडर में नहीं होता है। तो अंदर सिलेंडर में साफ सफाई और मेंटेनेंस अपने आप ही हो जाता है, तो पूरा का पूरा इंजन का मेंटेनेंस का खर्चा ही कम हो जाता है। तो मुझे यकीन है इसके वजह से इंजन की आयु भी बढ़ती होगी। जी बिल्कुल, लॉन्गर लाइफ हो जाता है। क्या बात है जी। दोस्तों आपकी खेती लहराए और आपके जीवन में खुशियां आए, इसी बात के साथ मैं आपका दोस्त विनोद आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।